नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। त्वरण एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एकांक समयांतराल में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, किसी वेग से गतिशील है, यदि उसके वेग में 1 सेकंड में या 1 मिनट में, 1 घंटे में जितना परिवर्तन होता है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी जितना वेग परिवर्तन हुआ कितना समय लगा। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। यदि किसी टी वन समय पर वस्तु का वेग वी वन तथा टी टू समय पर वी टू हो जाता है तो समय अंतराल डेल्टी, डेल्टी मतलब छोटा अंतराल, टी टू माइनस टी वन में वस्तु का त्वरण ए बराबर होगा वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन डेल वी बटे डेल टी। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक बराबर होगा वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक होता मीटर प्रति सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नमस्कार।